नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 728 में। जैसा कि कल हमने पहला प्रैक्टिस सेट पेपर देखा था और उसमें हमने 20 क्वेश्चंस का एनालिसिस भी किया था। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी आरओ और सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होगा। आज हम बात करते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट के बारे में, तो चलेंगे पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था। पहला ऑप्शन क्या है, टी फैसलर, दूसरा है जेम्स प्रिंसेप, तीसरा ऑप्शन है जेम्स थॉमस, चौथा है एंडोकोट्स। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो सही होगा बी, जेम्स प्रिंसेप। तो क्या क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने स्पष्ट किया था या किसने पढ़ा था, किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था, 1837 में। कब पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था। अच्छा, ब्राह्मी लिपि की खोज किसने की थी। अगर खोज की बात आती है तो खोज की थी टी फैंसलर ने की थी। कब की थी, 1750 में। कब की थी, 1750 में की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे इसमें थोड़ा कुछ और जानकारी देख लेते हैं, जैसे कि मास्की जो अभिलेख है, मास्की अभिलेख ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। मास्की अभिलेख कहाँ है, कर्नाटक में है। और ये किसका अभिलेख है, ये अशोक द्वारा लिखा गया अभिलेख है। इसी में अशोक ने खुद को प्रियदर्शी नाम दिया था। इसमें अशोक ने खुद को क्या नाम दिया, देव नाम प्रियदर्शी नाम दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को कब देखा जा सकता है। अशोक पर कलिंग युद्ध का जो प्रभाव पड़ा वो कब देखा जा सकता है। पहला ऑप्शन है 236 बीसी, दूसरा ऑप्शन है 251 बीसी, तीसरा ऑप्शन है 261 बीसी और चौथा ऑप्शन क्या है, 96 बीसी। इसका जो आंसर होगा वो होगा 261 बीसी, ऑप्शन नंबर सी सही है। जो कलिंग युद्ध हुआ था उस पर अशोक का, कलिंग युद्ध का जो प्रभाव अशोक पर देखा गया वो कब देखा गया, 261 बीसी में देखा गया। ठीक है, कलिंग युद्ध का जो वर्णन है किस शिलालेख में मिलता है, ये 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध का जो वर्णन है किस शिलालेख में मिलता है, 13वें शिलालेख में मिलता है। और कलिंग की जो राजधानी थी वो क्या थी, कलिंग की राजधानी थी क्या नाम था, तोसली। कलिंग की राजधानी का क्या नाम था, तोसली था। और ये किस नदी के किनारे कलिंग बसा हुआ था, ये था दया नदी के किनारे। ठीक है, तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था और कलिंग की राजधानी क्या है, तोसली थी। और किस नदी के किनारे कलिंग बसा हुआ था, दया नदी के किनारे बसा हुआ था। अच्छा, जो चौथा अभिलेख था, जो चौथा शिलालेख था अशोक का, उसमें अशोक ने क्या कहा, अशोक ने इसमें भेरी घोष तथा धम्म घोष की नीति को अपनाया था। भेरी घोष तथा धम्म घोष की नीति को अपनाया था, इसमें वर्णन मिलता है। ये किस शिलालेख में था, ये चौथे शिलालेख में मिलता है। धम्म घोष का मतलब क्या होता है, धम्म घोष का मतलब होता है शांति, शांति को इन्होंने स्वीकार किया। तो चौथे शिलालेख में धम्म घोष और भेरी घोष के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राज्य संघ में 5 महाशक्तियाँ विशेषाधिकार का उपयोग जिसमें करती हैं, वो कौन सी शक्तियाँ हैं, किसमें प्रयोग करती हैं। पहला ऑप्शन है सुरक्षा परिषद, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और चौथा क्या है, संयुक्त राष्ट्र। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो सही होगा पहला ऑप्शन, सुरक्षा परिषद। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियाँ जो विशेषाधिकार का प्रयोग करती हैं, किसमें करती हैं, सुरक्षा परिषद में करती हैं। अब बात करते हैं यूएनओ, जब संयुक्त राष्ट्र की आ गई बात, तो यूएनओ की स्थापना कब होती है, यूएनओ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और यूएनओ के अंदर ही एक संस्था है जिसे कहते हैं सुरक्षा परिषद, इसी के अंतर्गत आती है सुरक्षा परिषद। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूएनओ को कितने अंग होते हैं, यूएनओ को कुल 6 अंग होते हैं। यूएनओ के कितने अंग हैं, यूएनओ के जो है 6 अंग हैं। और यूएनओ में ही इन्हीं 6 अंगों में एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय
न्यायालय, ये कहाँ पर है? ये द हेग में है। कहाँ पर है? द हेग। द हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 को। कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जज कितने होते हैं? कुल जज होते हैं 15। ठीक है, कुल जज होते हैं 15। इन 15 जजों का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, और इसमें अध्यक्ष जो होते हैं, इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। ठीक है, तो आई होप आपको ये सभी जानकारी समझ में आ रही होंगी। मतलब एक क्वेश्चन में ही हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, जिससे कि आपको एक क्वेश्चन में ही कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन की जानकारी मिल जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता IPC धारा 302 किससे संबंधित है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वध की परिभाषा, दूसरा ऑप्शन है हत्या के दंड से, तीसरा ऑप्शन है हत्या के प्रयत्न से, चौथा ऑप्शन है दहेज मृत्यु से। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर सही होगा वो आंसर सही होगा बी, हत्या के दंड से। हत्या के प्रयत्न से नहीं, हत्या के दंड से संबंधित है IPC धारा 302। ठीक है, तो इसी में हम कुछ जानकारी देख लेते हैं। वध की परिभाषा किसमें दी गई है? वध की परिभाषा IPC 299 में दी गई है। ठीक है, हत्या की बात करते हैं तो हत्या का अगर प्रयत्न होगा तो ये किसमें होगा? 302, IPC की धारा 302 में दी गई है। और IPC की धारा 309 में क्या दिया गया है? 309 में दिया गया है आत्महत्या, आत्महत्या का प्रयत्न। ठीक है, लेकिन अगर कोई आत्महत्या करने पर बच जाता है तो उसकी सज़ा कितनी होती है? सज़ा होती है 12 माह, 12 माह की उसे सज़ा दी जाती है। IPC की धारा 306 में क्या है? 306 में है आत्महत्या का दुष्प्रेषण। ठीक है, अगला है दहेज मृत्यु। दहेज मृत्यु किसमें है? दहेज मृत्यु है 304 खा में है। ठीक है, और IPC की धारा 300 में क्या है? 300 में सिर्फ हत्या का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो IPC की धारा 302 में क्या है? 302 संबंधित है हत्या के दंड से। वध की परिभाषा किसमें? 299 में है। हत्या का प्रयत्न किसमें? 307 में है। दहेज मृत्यु किसमें? 304 खा में है। 309 में क्या है? आत्महत्या का प्रयत्न है। 306 में क्या है? आत्महत्या का दुष्प्रेषण है। और 300 में क्या है? हत्या, हत्या की बात की गई है। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने प्रयत्न करने पर बच जाता है तो उसे 12 माह की सजा दी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यह है कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन यह है पांचवा कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 27 जनवरी, दूसरा है 15 मई, तीसरा है 27 सितंबर, और चौथा क्या है? 29 दिसंबर। तो पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को मनाया जाता है। यहीं पर हम कुछ और दिवस के बारे में जानकारी कर लेते हैं, जैसे कि पहला है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है रेबीज दिवस। रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है विश्व हृदय दिवस। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला बात करते हैं नोटों पर। अगला क्वेश्चन क्या है? नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के छपाई के लिए इस्तेमाल की गई तकनीक का नाम क्या है? इसमें मैं ऑप्शन लेकर नहीं आया हूँ, आप बताइए कि नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के छपाई के लिए इस्तेमाल की गई तकनीक क्या है? ठीक है, इस तकनीक का नाम क्या है? इस तकनीक का नाम यह है इंटेग्लियो प्रिंटिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की छपाई के लिए इस्तेमाल की गई तकनीक का नाम क्या है? इंटेग्लियो प्रिंटिंग है। ठीक है, और नोटों पर कुल कितनी भाषाएं होती हैं? नोटों पर कुल भाषाएं होती हैं 17 भाषाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 17 भाषाएं लिखी होती हैं नोटों पर। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? पहला ऑप्शन क्या है? बलरामपुर, दूसरा है आगरा, तीसरा है कानपुर, और चौथा क्या है? उन्नाव।
ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर आप बी बी जो आगरा लिखा है यहाँ पर कर लीजिए लखनऊ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, वो है लखनऊ में। कहाँ किया है, लखनऊ में किया गया है। और इसी में और भी पार्क हैं उत्तर प्रदेश के जो हैं, पहला है लेदर पार्क। उत्तर प्रदेश का लेदर पार्क कहाँ है, लेदर पार्क जो है कहाँ है, कानपुर में है। उन्नाव में कौन सा पार्क है, उन्नाव में है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। ठीक है, नॉलेज पार्क कहाँ पर है, नॉलेज पार्क कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में। ठीक, अगला है डिफेंस पार्क। उत्तर प्रदेश में जो है डिफेंस पार्क कहाँ है, डिफेंस जो पार्क है वो भी कहाँ है, वो भी लखनऊ में है। तो उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, लखनऊ में है। लेदर पार्क कहाँ है, कानपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, उन्नाव में है। नॉलेज पार्क कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में है। और डिफेंस पार्क कहाँ है, लखनऊ में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई, पहला ऑप्शन क्या है, रामपुर, दूसरा है गाजियाबाद, तीसरा है अम्बेडकर नगर और चौथा क्या है, नोएडा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है, गाजियाबाद में की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 2, चौथा है 1। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना में समानता की बात की गई, इसमें ऑप्शन क्या होगा, 2। कौन कौन सी समानता की बात की गई है, जैसे कि प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। प्रस्तावना में दो प्रकार की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, और प्रस्तावना में कितने न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, कौन कौन से, विश्वास, उपासना, धर्म, अभिव्यक्ति और विचार। ठीक है, तो प्रस्तावना में 2 प्रकार के अवसर की बात, समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। दूसरा है कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, 5, कौन कौन से, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विचार की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन क्या है, केशवानंद भारती वाद प्रस्तावना के मामले में किस, केशवानंद भारती जो प्रस्तावना है ये किस वर्ष, ये मामला किस वर्ष हुआ था, कब हुआ था ये, पहला ऑप्शन है 1987 में, दूसरा है 1873 में, तीसरा है 1960 में या चौथा है 1973 में। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1973 में ये मामला आया था। कब आया था, 1973 में आया था। ठीक है, तो केशवानंद भारती जो विवाद था इसमें, इसमें क्या था, इसमें इन्होंने, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहा गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। क्या माना है, प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। ठीक है, और प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है, प्रस्तावना में संशोधन सिर्फ एक ही बार हुआ है। कब, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए हैं, कौन कौन से, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, तो केशवानंद भारती विवाद कब हुआ था, 1973 में हुआ था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 नए शब्द जोड़े गए, कौन कौन से, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियाँ हैं। क्वेश्चन यह है, भारत में नागरिकता को प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 3, चौथा है 2। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 5। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं, कौन कौन सी, पहली है जन्म के आधार पर,
जन्म से, दूसरी क्या है वंश के आधार पर, ठीक है, तीसरी क्या है देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, चौथी क्या है पंजीकरण के आधार पर, और पांचवी क्या है अर्जित क्षेत्र के आधार पर। ठीक, तो नागरिकता जो है, नागरिकता किस में आती है, नागरिकता भाग दो में आती है। नागरिकता किस में है, नागरिकता भाग दो में है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, इसमें नागरिकता आती है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। तो नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियाँ भारत में, 5 हैं। कौन कौन सी हैं, जन्म से, वंश से, देशीकरण से, पंजीकरण से, आर्थिक क्षेत्र से, नागरिकता भाग दो में आती है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत में नागरिकता खोने के कारण कितने हैं, भारत में कितने प्रकार से नागरिकता खोने के कारण हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 3, चौथा ऑप्शन है 2। तो नागरिकता खोने के जो कारण हैं वो कितने हैं, 3 हैं। 3 हैं, कौन कौन से, पहला तो है त्याग, कोई अगर त्याग दे दे, त्याग कर दे नागरिकता का। दूसरा क्या है, बर्खास्त कर दिया जाए अगर उसकी नागरिकता को छीन लिया जाए। और तीसरा क्या है, अगर नागरिकता देने से वंचित कर दिया जाए। ठीक है, तो तीन ही प्रकार से संविधान भारत की जो नागरिकता खोने का कारण है, 3, त्याग, बर्खास्त और वंचित। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 13 में। तो बताइए किस में कहा गया है, नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार जो है किस में कहा गया है, संसद को है, अनुच्छेद 11 में कहा गया है। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको है, संसद को है। अब यहाँ पर हम कुछ आर्टिकल देख लेते हैं, जैसे कि आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 5 में कहा गया है नागरिकता का प्रारंभ। ठीक है, आर्टिकल 6 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों के लिए नागरिकता, आए लोगों के लिए नागरिकता। आर्टिकल 7 में क्या बताया गया है, भारत से पाक जाने वाले, पाकिस्तान जाने वाले और फिर वापस आने वाले, फिर जो है पाकिस्तान से भारत आने वाले के लिए नागरिकता। आर्टिकल 8 में क्या बताया गया है, भारत से बाहर पैदा हुआ बच्चे की नागरिकता। आर्टिकल 9 में क्या बताया गया है, अगर आपने विदेशी नागरिकता ग्रहण की तो भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 10 में क्या बताया गया है, नागरिकता का बना रहना। आर्टिकल 10 में क्या बताया गया है, नागरिकता का बना रहना। और आर्टिकल 11 तो भी हमने पढ़ा कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है। तो आर्टिकल 5 में क्या बताया गया है, नागरिकता का प्रारंभ है। आर्टिकल 6 में क्या बताया गया है, पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों के लिए नागरिकता, उसका प्रावधान है। आर्टिकल 7 में क्या बताया गया है, भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर अगर भारत आए तो उनके लिए प्रावधान है। आर्टिकल 8 में क्या बताया गया है कि भारत से बाहर पैदा हुआ बच्चे के लिए नागरिकता। आर्टिकल 9 में क्या बताया गया है, अगर किसी भारतीय ने विदेशी नागरिकता ग्रहण की है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 में क्या बताया गया है, नागरिकता का बना रहना। और आर्टिकल 11 में क्या है, नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है। अगली बात करते हैं, 14th नंबर क्वेश्चन है, इस क्या है, इसमें कृष्ण क्षेत्र या ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कृष्ण क्षेत्र या ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, पहला है ऑप्शन सीवी रमन, दूसरा है एस चंद्रशेखर, तीसरा ऑप्शन है हरविंद गोविंद खुराना और चौथा ऑप्शन क्या है, एच जे भाभा। तो ब्लैक होल का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था, एस चंद्रशेखर ने किया था। किसने किया था, एस चंद्रशेखर ने किया था। और बात करते हैं सीवी रमन की, तो सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। किसके लिए बताया उन्होंने, रमन प्रभाव के बारे में बताया था, रमन प्रभाव, जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल कब दिया गया, 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और सीवी रमन के ही पुण्यतिथि पर 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं हरगोविंद खुराना की। हरगोविंद खुराना ने क्या किया था, कृत्रिम जीन के संश्लेषण के बारे में बताया। क्या बताया था, कृत्रिम जीन के संश्लेषण के बारे में बताया था। और इनको जो नोबेल दिया गया है, हरगोविंद खुराना को नोबेल दिया गया है, 1968 में इन्हें नोबेल दिया गया है।
अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पामीर का पठार कहाँ स्थित है। पामीर का जो पठार स्थित है वो कहाँ स्थित है, पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा है स्पेन, तीसरा है तिब्बत और चौथा है ब्राज़ील। तो पामीर का पठार कहाँ स्थित है, ये है तिब्बत में स्थित है। और ये जो पामीर का पठार है ये सबसे ऊंचा पठार है। कैसा है ये, सबसे ऊंचा पठार है। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 4875 मीटर। पामीर का पठार कहाँ सबसे ऊंचा पठार है, कहाँ पर है, तिब्बत में स्थित है। ठीक है, कुछ और पठार देख लेते हैं, जैसे कि शान का पठार कहाँ है, मेसेटा का पठार कहाँ है, ठीक है, पैटागोनिया का पठार कहाँ है, पैटागोनिया का पठार कहाँ है, ठीक, वेनेजुएला का पठार कहाँ है, वेनेजुएला का पठार कहाँ है, और ठीक है शान का पठार कहाँ है, शान का पठार है म्यांमार में, मेसेटा का पठार कहाँ है, मेसेटा का पठार है स्पेन में है, पैटागोनिया का पठार कहाँ है, यह है ब्राज़ील में स्थित है, कहाँ है, ब्राज़ील में स्थित है। और कुछ यूएसए के पठार हैं, यूएसए के पठार कौन कौन से हैं, पहला है पीडमांट पठार, दूसरा है ओजार के पठार, तीसरा कौन सा है, तीसरा है ये वेनेजुएला का पठार, ये भी यूएसए में ही है। ठीक है, तो हमने पठार के बारे में देखा, पामीर का पठार कहाँ स्थित है, तिब्बत में स्थित है, सबसे ऊंचा पठार है, इसकी हाइट कितनी है 4875 मीटर है। शान का पठार कहाँ है, म्यांमार में स्थित है, मेसेटा का पठार स्पेन में स्थित है, पेंटागोनिया का पठार ब्राज़ील में स्थित है, और यूएसए के कुल तीन पठार हमने देखे कौन कौन से, पीडमांट, ओजार्क और वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, पहला ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लाल मिट्टी और चौथा ऑप्शन क्या है, दोमट मिट्टी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा बी, कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती, काली मिट्टी है। काली मिट्टी को और किन किन नामों से जानते हैं, काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेंगड़ मिट्टी भी कहते हैं, रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं, लावा मिट्टी भी कहते हैं, स्वजुताई मिट्टी भी कहते हैं, और काली मिट्टी को यूपी में क्या कहते हैं, यूपी में इसे क्या कहा जाता है, करेल कहा जाता है, क्या कहते हैं, करेल कहते हैं। और काली मिट्टी का क्या नाम है, चेरनोजम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, चेरनोजम। ठीक, तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी, काली मिट्टी है। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं, रेंगुर मिट्टी, रेंगड़ मिट्टी, रेंगुड़ मिट्टी, लावा मिट्टी, सजुताई, यूपी में इसे करेल कहते हैं, और इसका और नाम क्या है, चेरनोजम भी है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है मिट्टी की रचना किस प्रक्रिया के द्वारा होती है, मिट्टी की रचना किस प्रकार की, किस प्रक्रिया के द्वारा होती है। तो पहला ऑप्शन है इसमें निक्षेपण के द्वारा, दूसरा है अपरदन के द्वारा, तीसरा है विखंडन के द्वारा और चौथा क्या है, अपक्षय के द्वारा। तो मिट्टी की जो रचना होती है वो कैसे होती है, निक्षेपण के द्वारा होती है। कैसे होती है, निक्षेपण के द्वारा होती है। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कार्य किस पर निर्भर करता है, कार्य किस पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है विस्थापन पर, दूसरा है बल पर, तीसरा क्या है, बल तथा विस्थापन के बीच कोण पर, चौथा ऑप्शन है तीनों पर। तो कार्य किस पर निर्भर करता है, कार्य निर्भर करता है तीनों पर, किस पर, बल, विस्थापन और बल तथा विस्थापन उसके बीच के कोण पर। कार्य मतलब डब्लू, डब्लू बराबर एफ गुणे एस कॉस थीटा। यहाँ पर W क्या है, W होती है कार्य, F क्या है, F होता है बल, ठीक है, S क्या है, S है विस्थापन, विस्थापन, और थीटा क्या है यहाँ पे दोनों के बीच का कोण। तो W कार्य किस पर निर्भर करता है, कार्य निर्भर करता है बल, विस्थापन, बल तथा विस्थापन के कोण पर। इसका सूत्र होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। W यहाँ पर कार्य है, F क्या है, बल है, S क्या है, विस्थापन है, थीटा क्या है, कोण है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है उस भौतिक मात्रा का नाम बताओ जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा है समय, तीसरा है वेग और चौथा क्या है, शक्ति। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा, डी, शक्ति। उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है, तो क्या है, शक्ति। शक्ति होता है पी, शक्ति को बताइए कहते हैं पी, पी बराबर डब्ल्यू बटा टी। ठीक है, P बराबर, P मतलब पावर, P बराबर W बटा T। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं, किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण जो है मैग्नीशियम के समान होते हैं। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा है 11, चौथा क्या है, 4। तो कौन से परमाणु संख्या वाले, 4 परमाणु संख्या वाले। इसमें कौन कौन से तत्व, इसमें कौन कौन से
तत्व आते हैं इसमें हैं बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, ब्रेंजियम और रेडियम। ठीक है, तो ये वर्ग दो के तत्व हैं। कौन कौन से ये हैं? वर्ग दो के तत्व हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो कौन से हैं? चार, वर्ग दो के तत्व हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कल फिर मिलेंगे प्रैक्टिस नंबर 3 पर। और इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्रैक्टिस नंबर 1 की भी वीडियो बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। और आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।